दोस्तों पांच नए रूटों पर चलने वाली है अमृत भारत ट्रेन, यानी कि जो पांच नए रूट हैं इन पर अमृत भारत ट्रेन चलाने की जो जानकारी है वो भारतीय रेलवे ने शेयर किया है। एंड इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि ये पांचों रूट आखिर कौन कौन से हैं और इस पर हमारी अमृत भारत ट्रेन कब तक लॉन्च होने वाली है, सभी चीज आपको बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में। साथ ही दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें हम पूरे प्रूफ के साथ बात करने वाले हैं, मतलब जो ऑफिशियल प्रूफ है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो में सारी चीजें समझने के लिए। और उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों भले ही वंदे स्लीपर, वंदे भारत या फिर वंदे मेट्रो ट्रेन देश में चले, लेकिन दोस्तों एक आम आदमी की जो चहेती ट्रेन है, जो पसंदीदा ट्रेन है, वो हमेशा ही अमृत भारत ट्रेन होने वाली है। क्योंकि दोस्तों नॉन एसी ट्रेन है और आम आदमी के लिए काफी एक बजट फ्रेंडली जो ट्रेन है वो भी हमारी अमृत भारत ट्रेन मानी जाती है। और यहाँ पर इसी ट्रेन के लिए जो पांच रूट है इसको यहाँ पर फाइनल किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि टोटल पांच रूट है कौन, उसके बाद ये गाड़ी कब तक चलने वाली है इसके बारे में भी मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों इस लिस्ट में जो सबसे पहला रूट है अमृत भारत के लिए ये है गोमती नगर से सीएसएमटी वाला, यानी कि गोमती नगर से सीएसएमटी के बीच में हमारी ये नई अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है। और यहाँ पर ये दो बड़े शहरों को जोड़ने वाला जो रूट है इस पर अमृत भारत ट्रेन चलाने का जो फैसला है वो यहाँ पर रेलवे प्रशासन ने लिया है। दोस्तों बात करें गोमती नगर से सीएसएमटी वाले रूट के बारे में, तो यहाँ पर गोमती नगर मतलब कि लखनऊ से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 1423 किलोमीटर है, जिसको अभी चल रही ट्रेन ने लगभग 23 घंटे से लेके 30 घंटे तक का जो एवरेज ट्रेवल टाइम है उसको लेने के बाद कवर कर पाती है। वहीं दोस्तों हमारे लखनऊ से मुंबई के बीच में चलने वाली जो अमृत भारत ट्रेन होगी वो इसे 1423 किलोमीटर की दूरी को लगभग 19 से 20 घंटे में कवर करने वाली है, यानी कि मात्र आप 19 से 20 घंटे में अमृत भारत के माध्यम से लखनऊ से पहुंच जाएंगे मुंबई या फिर मुंबई से पहुंचेंगे लखनऊ। वहीं दोस्तों बताया गया है कि हमारी जो अमृत भारत ट्रेन होगी जो कि गोमती नगर से सीएसएमटी के बीच में चलने वाली है, इसमें टोटल 20 कोच वाला जो रेक है जो कि नॉर्मल अमृत भारत में लगते हैं वही यूज होने वाला है, जिसमें टोटल 12 स्लीपर के कोच होंगे और जो 8 कोच है वो इसमें जनरल के लगे होंगे। वहीं दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो रूट है वो है गाजीपुर सिटी से सूरत वाला, और यहाँ पर गाजीपुर सिटी से सूरत के लिए भी हमारी नॉन एसी अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है और इसको रेल प्रशासन ने फाइनल किया है। दोस्तों बात करेंगे गाजीपुर सिटी से सूरत वाले रूट के बारे में, तो गाजीपुर सिटी से सूरत का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 1669 किलोमीटर के आसपास है, जिसको अभी चल रही ट्रेन एवरेज लगभग 28 घंटे का समय लेती है तब जाके इस डिस्टेंस को कवर कर पाती है। लेकिन दोस्तों हमारी गाजीपुर सिटी से सूरत के बीच में चलने वाली जो अमृत भारत होगी वो इसे 1669 किलोमीटर की दूरी को लगभग 24 से 25 घंटे में कवर करने वाली है और आपको पहुंचाने वाली है गाजीपुर से सूरत और सूरत से गाजीपुर। दोस्तों गाजीपुर और सूरत वाला रूट पर नई ट्रेनों की डिमांड काफी ज्यादा है और इस पर काफी लिमिटेड ट्रेन चलती है, और अगर मैं सही हूँ तो अभी फिलहाल इस रूट पर सिर्फ दो ट्रेनों का जो ऑप्शन है वो अभी के लिए आपको देखने को मिलेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रेन का डिमांड काफी ज्यादा है और एक बड़ी संख्या में जो पैसेंजर्स हैं वो इस रूट पर ट्रेवल करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेनों की संख्या मात्र दो है। और यही रीजन है दोस्तों कि गाजीपुर सिटी से सूरत के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाने का जो फैसला है वो यहाँ पर रेलवे प्रशासन ने लिया है। दोस्तों गाजीपुर से चेयरकर वाली जो वंदे भारत है उसको भी चलाने की मांग आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो पैसेंजर्स है मतलब जो पैसेंजर का वर्ग है वो एक नॉन एसी क्लास में जो ट्रेवल करने वाले यात्री है उनकी एक काफी बड़ी संख्या है गाजीपुर से। इसलिए दोस्तों ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर वंदे भारत चेयर कार से पहले भारतीय रेलवे नॉन एसी अमृत भारत को ही उतारे, क्योंकि भारतीय रेलवे को अच्छी तरह से पता है कि गाजीपुर सिटी से सूरत वाले रूट पर जो अमृत भारत लॉन्च होगी एक काफी बड़ी सुपर हिट होने वाली है। वहीं दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में तीसरे नंबर वाले रूट के बारे में, तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है जौनपुर से मुंबई वाला रूट, और यहाँ पर जौनपुर से मुंबई के लिए भी अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है और ये रूट 100% कन्फर्म है। दोस्तों इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे छठ के टाइम बात किया था, और हमारी देश की जो पहली एंड दूसरी अमृत भारत ट्रेन लॉन्च हुई 30 दिसंबर 2023 को, उसमें से एक अमृत भारत जौनपुर से मुंबई के बीच में ही लॉन्च होने का उम्मीद था, लेकिन पहले फेज वाले लॉन्चिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा लॉन्चिंग होगा अमृत भारत ट्रेन को लेकर, इसमें आपको जौनपुर से मुंबई के लिए एक नई अमृत भारत ट्रेन देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करेंगे जौनपुर से मुंबई वाले रूट के बारे में, तो जौनपुर से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वो लगभग 1455 किलोमीटर के आसपास है, जिसको अभी जो ट्रेनें चलती है वो अप्रोक्सीमेटली 25 घंटे से लेकर 30 घंटे का जो एवरेज ट्रेवल टाइम है उसको लेने के बाद कवर कर पाती है। वही हमारी नॉन एसी अमृत भारत ट्रेन जौनपुर से मुंबई पहुंचने में मतलब कि 1455 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगभग 20 से 21 घंटे का समय लेने वाली है, ऐसा अभी उम्मीद जताया गया है। और दोस्तों जौनपुर से मुंबई वाला जो रूट है इस पर भी जो नॉन एसी क्लास में ट्रेवल करने वाले यात्री है उनकी काफी बड़ी संख्या है, और इसलिए दोस्तों जौनपुर से अमृत भारत ट्रेन चलाने का जो फैसला है वो यहाँ पर रेलवे प्रशासन ने लिया है, और ये रूट 100% कन्फर्म है और इस पर अमृत भारत ट्रेन आपको 100% देखने को मिलेगी। दोस्तों
दोस्तों जौनपुर से मुंबई के बीच में अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है। इसको लेकर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से लेकर जो बड़े बड़े नेता है, जो राजनेता है, उनके द्वारा भी इसको लेकर जो कन्फर्मेशन है वो दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो काफी एक बड़ी संख्या में बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जिनमें से मुंबई भी शामिल है। यानी कि मुंबई में भी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनकी काफी बड़ी संख्या है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जौनपुर से मुंबई वाला रूट अमृत भारत ट्रेन के लिए काफी ज्यादा सही होगा। जब भी बड़े बड़े त्योहार आते हैं, लाइक छठ हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, ये रूट दोस्तों पूरी तरह से पैक हो जाता है और इस पर ट्रेनों की शॉर्टेज भी है। और इस रूट पर अपनी यात्रा को कंप्लीट करने में जो रेल यात्री हैं, जो कि किसी बड़े पर्व में अपने घर आना चाहते हैं, उनको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों पूरी तरह से नॉन एसी कोच के साथ चलने वाली अमृत भारत ट्रेन मुंबई से जौनपुर वाले रूट पर ये जो मुश्किलों से भरा सफर है उसको थोड़ी सी आसान जरूर करने वाली है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ये ट्रेन पूरी तरह से जो दिक्कत है उसको खत्म करने वाली है, लेकिन कुछ हद तक हमारी ये जो नॉन एसी अमृत भारत ट्रेन है ये मुंबई से जौनपुर वाले रूट पर यात्रियों की यात्रा को आसान करने वाली है। वहीं दोस्तों हम बड़े आगे और बात करें लिस्ट में चौथे नंबर वाले रूट के बारे में, तो दोस्तों इस लिस्ट में जो चौथा रूट है इसकी शुरुआत आपको मुजफ्फरपुर जंक्शन से देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मुजफ्फरपुर से भी हमारी नॉन एसी अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है और ये बात ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुका है। वहीं दोस्तों बात करें कि मुजफ्फरपुर से सबसे पहले किस रूट पर हमें अमृत भारत ट्रेन देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल वाला जो रूट है इस पर आपको सबसे पहले अमृत भारत ट्रेन देखने को मिल सकती है। हालांकि मुजफ्फरपुर से पोरबंदर, मुजफ्फरपुर से बैंगलोर जैसे रूटों पर भी अमृत भारत ट्रेन चलाने का प्लानिंग है, लेकिन इनमें से सबसे पहले जो मुजफ्फरपुर से दिल्ली वाला जोड़ने वाला रूट है इस पर ही आपको अमृत भारत ट्रेन की जो लॉन्चिंग है वो मुजफ्फरपुर से सबसे पहले देखने को मिल सकती है। इसको लेकर दोस्तों जो रेलवे प्रशासन है उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रेलवे को अच्छी तरह से पता है कि मुजफ्फरपुर से नॉन एसी क्लास में ट्रेवल करने वाले जो यात्री हैं उनकी काफी बड़ी संख्या है। और यहाँ से लंबे समय से जो मांग है वो भी यही है कि अमृत भारत ट्रेन को मुजफ्फरपुर से लॉन्च किया जाए। मतलब यहाँ पर जब से देश में अमृत भारत ट्रेन की एंट्री हुई है तभी से ही मुजफ्फरपुर से अमृत भारत ट्रेन चलाने की जो मांग है वो लगातार आ रही है। और अब दोस्तों फाइनली इसको गंभीरता से लेते हुए मुजफ्फरपुर से आनंद विहार वाले रूट पर आपको सबसे पहले जो अमृत भारत ट्रेन है वो देखने को मिल सकती है। इससे दोस्तों जो उत्तर बिहार का पूरा क्षेत्र है उसको काफी ज्यादा एक सुविधाजनक वाली जो ट्रेन है नॉन एसी ट्रेन उसका ऑप्शन देखने को मिलेगा दिल्ली जाने के लिए। यहाँ से मुजफ्फरपुर से ऑलरेडी कई ट्रेनें दिल्ली के लिए चलती है और सभी की सभी पूरी तरह से पैक चलती है। इससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली वाला जो रूट है इस पर काफी बड़ी संख्या है यात्रियों का और इस पर हमेशा से ही नई ट्रेनों की डिमांड आती रहती है। और अगर इस रूट पर अमृत भारत की शुरुआत होती है, ऑब्वियसली होने वाली है, तो इससे दोस्तों दिल्ली जाने वाले जो भी रेल यात्री है उनकी यात्रा ये जो गाड़ी है वो थोड़ी सी जरूर आसान करने वाली है। और दोस्तों भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर से अमृत भारत को लॉन्च करने के लिए इसलिए काफी जल्दबाजी किया है क्योंकि दोस्तों बिहार के दरभंगा से चली जो देश की पहली अमृत भारत है जो कि दरभंगा से ANBT के बीच में चलती है ये काफी बड़ी सुपरहिट अमृत भारत ट्रेन साबित हो चुकी है। और इसलिए दोस्तों भारतीय रेलवे को पता है कि मुजफ्फरपुर से आनंद विहार वाली जो अमृत भारत लॉन्च होगी ये भी काफी बड़ी सुपरहिट होने वाली है। वहीं दोस्तों फिलहाल हम बढ़े आगे और बात करें लिस्ट में पांचवें रूट के बारे में जिस पर हमारी अमृत भारत ट्रेन लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों ये रूट है गोरखपुर से LTT वाला और हमारे देश में एक नई अमृत भारत ट्रेन गोरखपुर से LTT मुंबई के बीच में भी लॉन्च होने वाली है। और ये जो रूट है गोरखपुर से LTT वाला इसको लेकर भी जो रेलवे प्रशासन है उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दिया है। और यहाँ पर गोरखपुर से मुंबई को जोड़ने वाला ये जो रूट होगा ये भी अमृत भारत ट्रेन के लिए काफी ज्यादा सही होगा और आपको अभी जो चल रही ट्रेनें हैं उनमें आसानी से टिकट नहीं मिलता है। एंड इसी का समाधान निकालने के लिए, सॉल्यूशन देने के लिए भारतीय रेलवे ने अमृत भारत को गोरखपुर से मुंबई वाले रूट पर उतारने का जो फैसला है वो यहाँ पर अपनी तरफ से ले लिया है और NER ने इसकी जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू कर दिया है। दोस्तों बताया गया है कि हमारी जो गोरखपुर से LTT वाली अमृत भारत होगी ये सप्ताह के 2 दिन अपना सेवा देने वाली है, मतलब कि ये ट्रेन बाई वीकली होगी। दोस्तों गोरखपुर से ऑलरेडी वंदे भारत की शुरुआत हो चुकी है और अब दोस्तों बारी आ चुका है अमृत भारत की शुरुआत करने का गोरखपुर से। और कहीं ना कहीं दोस्तों वंदे सीरीज की जो ट्रेनें हैं उनको लेकर जो गोरखपुर वासी हैं वो अचानक से ही बाजी मार लेते हैं, जैसे कि दोस्तों वंदे भारत को लेकर किसी को भी उम्मीद नहीं था कि इतनी जल्दी गोरखपुर से वंदे भारत ट्रेन चलेगी, लेकिन इसकी शुरुआत पिछले साल 7 जुलाई को ही हो गया। और इसी तरह दोस्तों अब बारी आ चुका है गोरखपुर से अमृत भारत को चलाने का और यहाँ पर गोरखपुर से LTT मुंबई के लिए ये अमृत भारत ट्रेन चलने वाली है। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिस वीडियो में मैंने ट्रेवल टाइम, डिस्टेंस वगैरह सभी चीजें आपको बताया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
और दोस्तों गोरखपुर से दिल्ली के लिए स्लीपर वंदे भारत भी चलने वाली है। मतलब जो गोरखपुर वासी हैं उनको चारों तरफ से वंदे भारत की जो कनेक्टिविटी है वो अब देखने को मिलने वाली है। एंड इसी को लेकर जो NER है उनके द्वारा ये जो सभी गाड़ियां हैं इनका जो प्रपोजल है वो रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है। मतलब दोस्तों NER ने अपनी तैयारियां पूरी कर लिया है और अब यहां पर देरी है रेलवे बोर्ड का हरी झंडी मिलने का, जो कि यहां पर इलेक्शन बाद हमें देखने को मिल सकता है। और यहां पर अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो हमें इलेक्शन रिजल्ट के बाद ये जो सभी रूट है अमृत भारत के लिए इन पर हमें नई अमृत भारत ट्रेन की जो लॉन्चिंग है, जो इनॉग्रेशन है, वो देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों हमारी मुजफ्फरपुर से चलने वाली जो अमृत भारत है इसका जो प्रपोजल है वो ECR ने भी सेंड कर दिया है रेलवे बोर्ड के पास। मतलब ये जो टोटल 5 रूट है अमृत भारत के लिए इन सभी को लेकर जो तैयारियां हैं वो रेलवे प्रशासन ने अपने लेवल से शुरू कर दिया है। और यहाँ पर ऑब्वियसली ये सभी के सभी जो रूट हैं वो एक नॉन AC अमृत भारत ट्रेन के लिए काफी सही होंगे और इसलिए रेलवे बोर्ड भी इन सभी रूटों को 100% अप्रूवल देने वाला है अपनी तरफ से। और आगे इसको लेकर कोई भी अपडेट मिलता है अप्रूवल वगैरह को लेकर तो आपको मैं सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बाकी प्रूफ वगैरह मैंने आपको दिखा दिया, पर इसको लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।